अल्लाह स्टूडेंट अलताब होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया और कुछ ज़बरदस्त लेकर आई हूँ रेगुलर सेंटेंसेस रेगुलर सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जो हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं बाहर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स के साथ अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं अपने घर में बच्चों के साथ यूज़ करते हैं वो सारे सेंटेंसेस मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इस वीडियो में और आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोस में इनशाला आप लोग अगर वो ज़्यादा फोकस से करेंगे तो आप लोग इंग्लिश बोलने के आदि हो जाएंगे और साथ साथ आपके घर के बच्चे भी आपके साथ इंग्लिश बोलेंगे जाहिर है ऑब्वियस अगर हम किसी बच्चे से इंग्लिश में बात करते हैं तो वो हमें आंसर देने की कोशिश करेगा इंग्लिश में ही या फिर हम उसे सिखाएंगे या वो अपने स्कूल से सीखेगा तो इस तरह एक हमारा इन्वायमेंट बन जाएगा इंग्लिश बोलने का इसी तरह की इसी में कुछ हेल्पफुल वीडियोस में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ जो मैंने कुछ सेंटेंसेस मेंशन किए हैं ये नॉर्मली हम अपने बच्चों के साथ बोलते हैं घर में एक इन्वायमेंट क्रिएट करने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने बच्चे से बात करें तो हम कितनी अपनी बातों में इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं जिससे उसको बेनिफिट हो रहा है वो इंग्लिश सीख रहा है और हम भी उसके साथ उसको सिखा रहे हैं ठीक है तो ये कुछ वीडियोस हैं जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ सुबह की टाइमिंग से कि अगर मैं सुबह की टाइमिंग है फॉर एग्जांपल तो मैं अभी कि किसी बच्चे से आगे बोलूँगी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग इस तरह के सेंटेंसेस अपने बच्चों के साथ यूज़ करूँ उसके बाद अप वेक अप लेट मी क्लियर वन थिंग अप गैरअप अप क्या होता है अप हमेशा उसके लिए होता कभी भी अगर कोई बंदा या कोई बच्चा सो रहा है हम उसको कभी भी ये नहीं कहेंगे अप हम उसको कहेंगे वेक अप और अगर कोई बैठा हुआ है हम उसको कहेंगे गैर अप सोने जो सो रहा होगा हम उसको कहेंगे वेक अप जाग जाओ और अप उठ जाओ वो बैठा हुआ है ठीक है अगर हम किसी बच्चे के पास जाते हैं फॉर एग्जाम्पल वेक अप वेक अप इस तरह के उठ जाओ वेक अप अगर मैं किसी थर्ड पर्सन को जाके बोलती हूँ कि इसको उठा दो तो आई विल से उठाओ वेक हिम अप या फिर ये कोई बैठा हुआ है बच्चा मैं कहूँगी गैर अप गैर आप अगर मैं किसी थर्ड पर्सन से कहूँगी तो कहूँगी गहरे माप या गह हर आप कि गैट के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा जैसे मैं आ, उसके बाद हमने यूज़ करना है कि जैसे इसको उठा दो गह हर आप वेखे माप इस तरह के सेंटेंस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो मैंने यहाँ पर मैंशन किया है कि उठ जाओ गैर आप जाग जाओ वेक आप या इसको जगाओ वेखे माप वेख हर आप या फिर इसको उठाओ गहरे माप गहर आप ठीक है इस तरह के सेंटेंसेज जो हैं उसके बाद मैं बात करती हूँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने बच्चे से बात करें कि हमें देर हो रही है तो हम बोलेंगे वी आर गैरिंग लेट डू इट फास्ट वी आर गैरिंग लेट ठीक है इस तरह के सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं अब हम जैसे कोई बच्चा बाहर से आया है या फिर आ, जैसे सुबह उठकर मेरे पास आया तो मैं बोलूँगी गो गेट फ्रेशन अप गो गेट फ्रेशन अप जाओ फ्रेश हो जाओ गो गेट फ्रेशन अप कोई बाहर से आया बच्चा खेल कर तो मैं बोलूँगी कि गो गेट फ्रेशन अप ठीक है फ्रेश हो जाओ उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम है वो फ्रेश होकर मेरे पास आया तो मैं बोलूँगी कम हैव ब्रेकफेस्ट आओ और नाश्ता करो कम एंड हैव ब्रेकफेस्ट ठीक है ये सेंटेंस कम एंड हैव ब्रेकफेस्ट आओ और नाश्ता करो ठीक है ये हमारे एक्सप्रेशन भी होने चाहिए पोलाइट वे में बच्चों से बात कर रहे हैं तो कोर्स कम एंड हैव ब्रेकफेस्ट इस तरह से और ये तो सिंपल है यहाँ आओ कम हियर सिंपल इसके अलावा स्टॉप बीइंग सो लीजी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा एग्रेशन शो कर रहे हैं थोड़ा सा कि इतना लेजी मत बनो स्टॉप बीइंग सो लेजी डू इट फास्ट जल्दी करो इसे ऐसे कहे लेजी मत बनो ठीक है स्टॉप बीइंग सो लेजी डू इट फास्ट इस तरह के हम थोड़ा सा एग्रेशन में अगर हम अपने बच्चे को बोलना चाहें तो हम इस तरह बोल देंगे लेट मी क्लियर वन थिंग कि अगर ये एक चीज इंपॉर्टेंट थी मैं मैंने डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ कि स्टॉप अगर हम यूज कर रहे हैं जैसे ये मत करो स्टॉप डूइंग दिस स्टॉप अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हमेशा हमें लाजमी जेरन फॉर्म यूज़ करनी है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ड ठीक है स्टॉप डूइंग स्टॉप टीजिंग स्टॉप बीइंग स्टॉप गोइंग स्टॉप मोलेस्टिंग इस तरह के सेंटेंसेस हम हमेशा स्टॉप के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे जेरन फॉर्म यूज़ करेंगे ये एक इंपॉर्टेंट एडिशनल चीज थी जो मैंने आप लोग को बता दी ये हमेशा याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ठीक है उसके बाद स्टॉप बींग सो लेजी हम बात कर रहे हैं एक बच्चे से स्टॉप बींग सो लेजी ने लेजी मत बनो डू इट फास्ट जल्दी करो उसके बाद इसको सही से खाओ हैव इट प्रॉपरली इसको सही से खाओ हैव इट प्रॉपरली ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं जैसे मैं एक बच्चे को बोल रही हूँ कि मैं आज आपको स्कूल छोड़ूंगा या छोड़ूंगी आल ड्रॉप यू स्कूल मैं आपको स्कूल छोड़ूंगा आल ड्रॉप यू ठीक है आई विल ड्रॉप यू आल ड्रॉप यू ठीक है उसके बाद इंसेंटेंसिस की तरफ आते हैं तो अगर हम किसी बच्चे को बोल रहे हैं यहाँ से जाओ तो गो फ्रॉम हियर घर में हम कुछ इस कमरे से जाओ गो फ्रॉम हियर ठीक है Uh, हम किसी बच्चे को बोले प्रिपेयर यूर बैग फॉर स्कूल स्कूल के लिए अपना बैग तैयार करो प्रिपेयर यूर बैग फॉर स्कूल उसके बाद है कि अपनी वाटर बॉटल ले लो टेक योर वाटर बॉटल टेक योर वाटर बॉटल दिस वन उसके बाद अगर मैं बोलूँ ये रहा आपका लंच बॉक्स हेयर इज योर लंच बॉक्स हेयर इज योर लंच बॉक्स या फिर ये रहा आपका लंच बॉक्स हेयर इज योर लंच बॉक्स ठीक है और अगर कोई बच्चा घर से जा रहा हो उसके बाद हैव अ गुड डे Have a nice day. इस तरह हम अपने बच्चों को uh, के ब्लैसिंग्स दे सकते हैं जाते हुए विशेष दे सकते हैं जाते, हैं जाते हुए गुड डेव अ ब्लास डे और है नाइस डे इस तरह करके उसके बाद अगर कोई बच्चा घर पर आया है तो उसको हम कहेंगे कि क्या आपने लंच बॉक्स खत्म कर लिया हैवी फिनिश you लंच बॉक्स आपने अपना लंच बॉक्स खत्म किया था ना क्लास में स्कूल में आपने लंच किया था ना प्रॉपरली हैवी फिनिशर लंच बॉक्स ठीक है और उसके बाद है मैं अगर, अगर अपने बच्चों को बोल रही हूँ आई मेड यू डिलेशियस सैंडविचेज़ आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सैंडविच बनाए आई मेड यू यमी सैंडविज़ टुडे आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत यमी सैंडविचेज़ बनाए हैं डिलेशियस यमी स्टॉमशियस अलॉट ऑफ वर्ड्स आई हैव टू एक्सप्लेन ठीक है अगर मैं किसी बच्चे को बोल रही हूँ कि जाओ और जाके नैप नैप क्या होता है लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग नैप क्या होता है नैप होता है छोटी सी नींद हम लेते हैं ना एक घंटे की आधे घंटे की या दो घंटे की उसे कहते हैं हम नैप तो हम किसी बच्चे को ले गो एंड टेक नैप और दोपहर में नैप ही लिया जाता है प्रॉपर तो नहीं सोया जाता प्रॉपर तो रात में ही सोते हैं तो बच्चे को लिए? गो एंड टेक नैप नैप ले लो उसके बाद लड़ो मत स्टॉप फाइटिंग स्टॉप फाइटिंग लड़ो नहीं ठीक है उसके बाद है मैं अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को बोल रही हूँ कि मैं आज तुम्हें पिक करूँगी स्कूल से आई विल पिक यू अप फ्रॉम स्कूल आज मैं आपको स्कूल से पिक करूँगी आई विल पिक यू अप फ्रॉम स्कूल तो ये मेरे कुछ सेंटेंसेस थे यहाँ पर और यहाँ पर जो हम नॉर्मली अपने घर में अपने बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं इससे हमारा इन्वामेंट भी चेंज हो जाएगा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो जब ये सब सेंटेंसेस बोलेंगे आप जब उनके साथ इंग्लिश बोलेंगे तो वो आप लोगों को इंग्लिश में जवाब देंगे अगर नहीं आएगा तो आप उन्हें बताएंगे कि इसका आंसर ये होगा और आपने नेक्स्ट टाइम से यही बोलना है तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी हमारे सराउंडिंग के लिए हमारे इन्वॉयमेंट के लिए थैंक यू सो मच होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा इंशाल्लाह ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर आ रही हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे जजाकला